भाई आर्य ने बड़ी जबरदस्त खबर दी है अभी। एक मिनट लाइट खोलूं पहले। आयरा माशाल्लाह, आपने कब देखा ये? शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पहला रिजल्ट आ गया है हमारे इनक्यूबेटर का। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो है पहला चूजा निकल आया है, इसमें जो है ना ब्लैक वाली है। चलो मैं पहले लोमन ब्लैक को पानी पिला देते। आयरा वो देखो, एक और निकल रहा है, वो देखो, वो देख रहे हो शेल ब्रेक हुआ हुआ है इसका। मैं चाह रहा हूँ ये जब शेल ब्रेक हो रहा हूँ ना, चूजा बाहर निकल रहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाऊं। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी देर लगेगी, उसके लिए भाई मैंने यहाँ पे कैमरा जो है वो सेट कर दिया है इसको टाइम लैप्स पे, तो मैं यहाँ से इसको। और भाई मुर्गे को तो खास तौर पे मुबारकबाद दे देंगे भाई, मुबारक हो भाई। पहले तो मुझे इसका वो बनाना है ब्रूडर, अब तो हंगामी बुनी आता है, ब्रूडर बनाना पड़ेगा मुझे। अच्छा भाई दोस्तों, मुर्गे को वेट ग्रास ऑफर करने का टाइम आ गया और आज मैं जो है वो सारी ही ऑफर कर दूंगा भाई। दोस्तों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों डे बाय डे थोड़ा सा जो है वो गला बेहतर होने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इतना तो है कि आवाज़ निकल रही है ज़रा, बट फुली रिकवर्ड नहीं है। अच्छा भाई अभी सुबह के जो है वो 8 बज रहे हैं तकरीबन, और इस वक्त टेम्परेचर जो है वो है तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी मैं आया हूँ ऊपर मुर्गियों को खोलने के लिए ताकि दाना खा लें। पहले मैं चेक कर लूँ उनका जो फीड है वो मौजूद है। फीड ख़त्म हो गई, फीड ऐड कर लेता हूँ। क्या हाल है? बाहर नहीं आना है अभी। सही है, माशाल्लाह एक्टिव है, शौक से खा रही है। अच्छा लोमन ब्लैक को ज़रा चेक करें, अभी नहीं आना है, अभी नहीं आना है। अच्छा भाई लोमन ब्लैक को मैंने कर दिया सेपरेट, और इसको मैं अलग से फीड ऑफर करता हूँ। ये लो भाई, आप लोग खा लो। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, दोनों हेल्दी एंड एक्टिव है, तो माशाल्लाह शौक से खा रही है। तो भाई मैंने गेट बंद कर दिया ताकि आराम से खा लें फीड। बाकी सुबह का अंडा देखें अभी कोई आया। अरे भाई माशाल्लाह, तो सुबह ही सुबह अंडा आ गया, क्या बात है। वैसे जो है वो इतनी सुबह अंडा आता नहीं है, आज तो माशाल्लाह सुबह 8 बजे ही अंडा आ गया। अच्छा भाई दोस्तों, आज का जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम है ना, वो ये है कि भाई आज ब्रूडर मुझे कम्प्लीट करना है। मैंने बेसिकली इसको ज़रा फैंसी के तौर पे सोचा हुआ था, जिस तरीके से मैंने ये पिंजरा बनाया ना माशाल्लाह से थोड़ा फैंसी है, खूबसूरत है, तो वो भी मैं सोचा था ब्रूडर भी थोड़ा सा फैंसी बनाऊँ। बट क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया, अब मुझे इसको प्रैक्टिकली बनाना पड़ेगा। मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर बना के उसको रेडी कर दूँ, फिर इंशाल्लाह उसमें जो फैंसी वर्क होगा वो डे बाय डे मैं करता रहूँगा। अंदर से उसको ऐसा कंप्लीट कर दूँगा कि अंदर से उसको वर्किंग ना करनी पड़े, बाहर से जो भी मेकअप वगैरह होगा उसका वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह ब्रूडर का काम करना है, बस ये कि ज़रा लाइट के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लाइटें बहुत जाती हैं तो फिर काम बीच में रुक जाता है, और फिर गैस भी नहीं आती, जनरेटर भी नहीं चल पाता। देखते हैं भाई आज क्या होता है, कुछ भी करके करके आज जो इंशाल्लाह ये काम करना है। और अभी मैं आपको अपडेट देता हूँ अपने हैचर की, कल जो हमने इंस्टॉल किया था, कुछ कमेंट्स आए थे, सवाल थे, उसके भी ज़रा डिस्कस करते हैं, उसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं ज़रा हैचर को चेक करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, हैचर की अपडेट ये है कि माशाल्लाह से परफेक्टली काम कर रहा है ये, और ह्यूमिडिटी जो है वो उसकी 92% अभी चल रही है, और टेम्परेचर 37.2 पर है। अच्छा एक कमेंट आया था कि ह्यूमिडिटी आपने बहुत ज़्यादा रखी हुई है। वैसे जो ह्यूमिडिटी होती है वो नॉर्मली 70-90% होती है जब हैचिंग का टाइम होता है, बट मैंने 95 यूँ रखी है कि जो लोमन ब्राउन का जो शेल है ना वो ज़रा हार्ड होता है, तो इसको जो है वो थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए, इसके जो हैचिंग का टाइम हो प्रॉब्लम ना हो चिक को, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ा के मैंने 5% मजीद बढ़ा दिए। तो ये सीन इसका माशाल्लाह से ओके है बिल्कुल, और अभी जो है वो 85 पे इसको ऑन हो जाना चाहिए अंदर ह्यूमिडिफायर को। तो ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं, ये ह्यूमिडिफायर भी ऑन हो गया भाई। तो ये माशाल्लाह से ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा इसको मैं अभी, क्योंकि मैंने कल ही इसको रेडी किया, तो मैं ग्रेजुअली इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर आके चेक करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई चीज़ बंद हो जाए तो फिर ये अंडे ख़राब हो सकते हैं। तो उस वजह मैं इसको रेगुलरली चेक कर रहा हूँ, माशाल्लाह से कल से लेके अब तक बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। देखिए मैं बल्ब भी ऑन हो गया दोबारा। अच्छा एक दोस्त ने और कमेंट किया था कि आपने जो अंडा रखा हुआ है ना वो बल्ब के करीब है, वो ख़राब हो सकता है। तो इसका बेसिकली मैंने टेम्परेचर भी चेक कर लिया था, अंडे के अराउंड जो टेम्परेचर था ना उसको मैंने चेक कर लिया था अपने लेज़र थर्मामीटर की मदद से, तो वो भी तकरीबन 37 के अराउंड ही कुछ आ रहा था। तो बिल्कुल मैंने बल्ब के नीचे नहीं रखा, मैंने बल्ब से इसी वजह से दूर रखा है कि डायरेक्ट उसको हीट ना पड़े, और यहाँ का मैंने टेम्परेचर ले लिया था तो वो जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था, नॉर्मल था। तो ये चीज़ भी मतलब मैं इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ कि टेम्परेचर डायरेक्ट इनको ना लगे, अंडे ख़राब हो सकते डेफिनेटली।
तो ये दो कमेंट थे जो मेरे ध्यान में थे, कि मैंने कहा इसको वीडियो में ही आंसर कर देता हूँ। बाकी अपने इनक्यूबेटर की क्या रिपोर्ट है भाई, टेम्परेचर तो सही है, ह्यूमिडिटी इसकी डाउन हो गई है, पानी इसका लग रहा ख़त्म हो गया, तो अभी ह्यूमिडिटी के लिए इसका पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा भाई अभी करना है नाश्ता, मैं ज़रा ऊपर आ गया था, वीडियो बनानी शुरू कर दी, बेगम कह रही है अभी आपने नाश्ते का सामान लाए नहीं है और आप पहले वीडियो बनानी शुरू कर दी, तो भाई अभी नीचे जाना है, ज़रा नाश्ते का सामान लेके आऊँ मैं, नाश्ता करते फिर इंशाल्लाह ऊपर आएंगे। भाई आयरा ने बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है अभी, अरे क्या खबर लेके आई हो आप, एक मिनट लाइट खोलूँ पहले। अरे 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह आयरा माशाल्लाह, आपने कब देखा ये भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख चूजा निकल गया, अब इसी कंडीशन जरा चेक करता हूँ, अरे अरे हिल रहा है भाई, हिल रहा है माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, शुक्र है भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पहला रिजल्ट आ गया है हमारे इनक्यूबेटर का, माशाल्लाह माशाल्लाह जो है पहला चूजा निकल आया है, और आयरा ने जब आते ही खुशखबरी सुनाई है, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और देखे भाई माशाल्लाह। अच्छा मुझे शैल ब्रेक होने का भी पता नहीं चला, और सुबह में आके मैंने इसको चेक किया था, शैल भी ब्रेक नहीं हुआ था भाई, एक और माशाल्लाह से शैल ब्रेक हो रहा है, ये देखें एक और माशाल्लाह से चूजा निकल रहा है, वाह आयरा आयरा आर यू एक्साइटेड। अच्छा मैं नीचे मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं, आयरा ने अचानक आके खबर दी, ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मूव कर रहा है माशाल्लाह, काफी हेल्दी है। अच्छा ये मेरी वाली मुर्गी का है, लोमन ब्राउन का अंडा है ये, थोड़ी देर अब इसको खड़ा होने दो, अभी ये गीला गीला है ना, अपने पैरों पे खड़ा होगा, इट मींस कि भाई आज इसको 21वां दिन था, और मैं बेसिकली ये कर रहा था अज्यूम कि 20वां दिन है, और ये देखे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह काफी सेहतमंद है चूजा। अरे वो देखो एक और निकल रहा है, वो देखो देख रहे हो शेल ब्रेक हुआ हुआ है इसका, माशाल्लाह। अच्छा ये वाला जो है ना, वो वाला भी हमारी वाली मुर्गी का है, लोमन ब्राउन का है। अच्छा इसका मैं जरा शैल निकालूं, शैल देखते हैं इसका कितने ग्राम वाला था, ये देखिए भाई 4 तारीख को रखा था, 50 ग्राम वाला था ये, माशाल्लाह बोल भी रहा है, चू चू कर रहा है, अब ये बड़े हो जाएंगे, हाँ माशाल्लाह बड़ा है चूजा आयरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब ये बड़ा हो जाएगा ना, बहुत उसको संभालेंगे। अरे एक और शैल ब्रेक हो रहा है माशाल्लाह, ये देखो भाई ये देखे, ये चेक करें, ये आपको नजर आ रहा होगा शेल ब्रेक हो रहा है, ये वाला भी मुझे नहीं पता डाले का ये वाला आ रहा है, ये तो ये भी, ये वाला चेक करो, ये देखो ये दो ब्रोक हो माशाल्लाह, इसका मुंह फट गया। बेगम भी हमारे साथ खड़ी है, इनका जरा रिव्यू ले, आप बताइए जरा आपको कैसा लगा भाई इनक्यूबेटर का रिजल्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, अभी तो एक ही निकला है, देखे एक ये निकला है, अच्छा एक वो वाला शेल ब्रेक हुआ हुआ है, नजर आ रहा है आपको होल हुआ हुआ है, और एक इसमें ये ब्रेक कर रहा है, देखे चूजा ये वाला, मैं तो कह रहा हूं कैमरा इधर इसमें ही फिक्स कर दो। अच्छा मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं था, मैं सुबह भी चेक करके गया हूं 8 बजे जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसका कोई भी इसका जो शेल ब्रेक होने का साइन नहीं था, और 4 तारीख को बेसिकली रखा था ये, तो 4 से अगर हम लगाए कितने दिन हो गए, आज 25 है ना, तो ये आपके हो गए 15 वो और 6 वो, 21 दिन हो गया टोटल साइकिल, हाँ 21 दिन की साइकिल होती है। बेसिकली मैंने एक दिन इनक्यूबेटर को जो है ना स्टॉप कर दिया था, तो मैं इस वजह से एक दिन आगे का लगा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत हेल्दी चूजा निकला है, और अभी जो है अपने आप को ये रिकवर कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये अपने आप को थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। क्या हो गया भाई, सुस्त हो गया बिल्कुल, अरे क्या कर रहा है ये, मुंह फट गया, सांस तो ले रहा है माशाल्लाह से, इसका मुंह फट गया, आयरा मुझे कब से बोलेगी बाबा चूजा कब आएगा चूजा कब आएगा, और फाइनली आयरा को सबसे पहले पता चला है ना, आयरा को माशाल्लाह सबसे पहले पता चला, बाबा को आगे फौरन खबर, अब आप हैप्पी है, कब से बोल रही थी बाबा को चूजा कब आएगा चूजा कब आएगा, अब आपने टेक केयर करनी है इनकी, निकल गया, ये देखे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हिल रहा है, एक्टिव है, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ रहा है खड़ा हो जाएगा, सही है, एलईडी नहीं वो है अपना ह्यूमिडिफायर है, इंशाल्लाह हो जाएगा खड़ा हो जाएगा, चूचू भी कर रहा है, अब इनकी फीड वगैरह, फीड फीड तो बात की बात है, पहले तो मुझे इसका वो बनाना है ब्रूडर,
अब तो हंगामी बुनियाद पे ब्रूडर बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब यहाँ पे एक दिन इनको रखना है। हाँ। अभी ये हैचर में, हैचर में एक दिन रहेंगे, क्योंकि हैचर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ब्रूडर का इससे कम होता है, तो उसको फिर ब्रूडर में मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो खाना पीना अभी तो नहीं, एक दिन ही सर्वाइव कर लेंगे इसी पे ही ना। अच्छा। एक दिन पे कल से जब ये चलना फिरना शुरू करेगा ना, चोंच मारना शुरू करेगा, तो फिर इंशाल्लाह इसको कल से चोंच भी मारना शुरू करेगा। हाँ, ये खुद ही ऑटोमेटिकली चोंच मारेंगे नीचे ना खाने के लिए। माशाल्लाह आयरा खड़ा हो गया, वाह कितना ब्यूटीफुल है आयरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि ये लोमन ब्राउन को मैंने RIR से जो है वो क्रॉस किया था, तो अब रिजल्ट देखना है किस तरीके से किसका ये चूजा निकलेगा। जाहिर है लोमन ब्राउन तो नहीं होगा ये, क्योंकि वो प्योर जो है वो खुद एक हाइब्रिड ब्रीड है, तो अब उसमें से वो लोमन ब्राउन तो निकलेगी नहीं डेफिनेटली। अब ये जो है वो क्रॉस हो गया लोमन ब्राउन का और RIR का, अब इसका देखते हैं रिजल्ट क्या निकलेगा। अरे दूसरे अंडों के ऊपर चढ़ गया ये तो, है ये क्या कर रहा है, उसमें से मुझे चोंच नजर आ रही है, वो जो होल हुआ है ना। हाँ। इस वाले एग पे जो होल हुआ है, ये वाले पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चोंच वोच सा मार रहा है वो। हाँ नजर से आ रहा है, देखो 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 है ना, तोड़ा है इसको भी वो। तो भाई माशाल्लाह दोस्तों, हमारे घर के जो है वो चूजे निकलना स्टार्ट हो गए, हमारे इंक्यूबेटर का रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहा माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो मैंने मेहनत करी अल्लाह ताला ने इसका फल दिया, और इसका रिजल्ट भी चेक हो गया इंक्यूबेटर का माशाल्लाह से। चूजे निकलने से एक निकल चुका है, दो जो है वो माशाल्लाह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे। मैं अब इसको जो है वो वक्तन वक्तन चेक करूंगा, मैं चाह रहा हूँ ये जब शेल ब्रेक हो रहा हो ना, चूजा बाहर निकल रहा, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाऊं। कुछ शौक हो गया, मुझे भी लग रहा है आपको पोल्ट्री फार्मिंग का है, लिटिल बिट है, अभी भी स्मेल आ रही है, मुंह पे कपड़ा रख लिया है। अच्छा भाई, चले भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेगम को भी इन चीजों का शौक जो है वो मैं बेदार करूं थोड़ा सा। बाकी भाई आयरा को तो बहुत शौक हो गया, मैंने देखा भाई आयरा का चूजा आ गया, अब आयरा इनकी टेक केयर करेंगी सारी, सही है आयरा भाई? आप यकीन करें, इतनी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि बार बार दिल चाह रहा है यहाँ आके जो है वो देखते रहे इसको, क्योंकि एक मेहनत करने के बाद जब उसका रिजल्ट मिलता है ना, जब वो प्रोडक्शन आपके सामने आती है, तो उसका एक जो मज़ा होता है ना, वो कुछ और ही होता है, और वो एहसास जो है ना, बार बार वो जो खुशी का एहसास होता है, बस वो बयान से बाहर होता है। इसकी ज़रा चेहरा भी आपको दिखाऊं मैं, अपने भी पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये वाला है, ये भी मेरे घर की मुर्गी का है, ये वाला भी मेरे घर की मुर्गी का है। ये बेसिकली 6 जो अंडे हैं ना, ये वो हैं जो मैं नज़र बर्ड से लेके आया था, फैंसी मुर्गियों के। अब इनका अभी तक फिलहाल मुझे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, हैचिंग का या कोई ब्रेकेज का इनका निशान नज़र नहीं आ रहा मुझे। बहरहाल अपनी ही मुर्गियों के अंडों के जो है वो निशान नज़र आ रहे हैं ब्रेकेज के, यानी कि शेल ब्रेक हो रहा है। आयरा की मेहंदी भी तो लगी हुई है, आयरा आज भी शादी में जाना है? अच्छा भाई, हाँ आज जो है व्लॉग को भी जल्दी कंप्लीट करना है, और कोशिश करूंगा जल्दी पोस्ट करूँ, क्योंकि भाई आज भी शादी में जाना। अच्छा भाई, मुझे बस अब ब्रूडर का काम स्टार्ट करना है। देखो लाइट आ रही है कि नहीं भाई, लाइट गई भी है अभी, तो कोशिश करता हूँ अगर गैस आ रही होगी जनरेटर चला के फिर वो मैं ब्रूडर का काम स्टार्ट करता हूँ। अच्छा भाई, मुर्गियों को भी खोल लेते हैं, पानी इनको पिलाना है। अच्छा अभी मैं जो है वो सादा पानी दे रहा हूँ। अच्छा आ रहा है, इसको खोलो पहले लोमन ब्लैक को खोल लेते हैं ताकि वो पानी पी ले। ये वाली खोलो, इसमें जो है ना ब्लैक वाली है। चलो मैं पहले लोमन ब्लैक को पानी पिला देते। अच्छा भाई, फीड तो माशाल्लाह इन्होंने खा ली है। चलो भाई तुम लोग पानी पी लो, वरना फिर वो पानी नहीं पीने देगी। अच्छा ये वो मुर्गी थी जो बीमार थी, माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव है। पहले पानी पी लें यारा, फिर उनको खोलेंगे, ठीक है? भाई माशाल्लाह अभी शौक से पी रही है दोनों पानी। अच्छा भाई, भजी से जो एक्टिविटी शुरू कर दी बाहर आते ही, माशाल्लाह कितना खुश हो रहे हैं। अच्छा आज जो है वो सादा पानी का दूसरा दिन है, 3 दिन इनको सादा पानी दूंगा, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सिरके का पानी। सही है यार, सिरका भी कोई आम सिरका नहीं, एप्पल साइडर विनेगर, ये वही इनको दिया जाता है, आम सिरका नहीं दिया जाता। पी लो भाई जल्दी जल्दी पी लो, वो बहुत बेचैन हो रही है मुर्गियाँ। चले भाई अब इनको भी खोल देते हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं ये। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। और भाई पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग जो है वो पेरेंट्स बन गए। चले भाई माशाल्लाह से सब हेल्दी एंड एक्टिव है। और भाई मुर्गे को तो खास तौर पे मुबारकबाद दे देंगे भाई, मुबारक हो भाई, तुम जो है वो अब्बू बन गए हो,
और चूजा आ गया है भाई। अब अम्मी का नहीं पता इनमें से कौन सी है भाई, किसका जो है वो बच्चा निकला है, कौन सी मुर्गी का। बहरहाल सबको मुबारक हो भाई, सबको मुबारक हो। माशाल्लाह से जो है वो चूजे आना शुरू हो गए। और अच्छा भाई अंडा भी आया हुआ है। ओहो, यहाँ पे रखा हुआ था ना मुर्गी ने, इधर ही अंडा दे दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाल्लाह से सलामत है, टूटा नहीं ना, मुर्गियाँ इधर ही घूम रही थी। अच्छा मैं खोल दूँ, ये जगह बंद थी ना, मैं खोल दूँ ताकि अंडा देने के लिए चली जाएंगी, जाना हो तो। ये देखें गई, अंडा देने के लिए गई है ये। तो भाई दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है अपने इस मुर्गियों के फ्लॉक को देख के, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुर्गियों को रखा, उनको जो है वो एक शौक भी मतलब पूरा किया, फिर उस शौक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की, अंडों को हैच कराने की कोशिश की, इनक्यूबेटर बनाया, इनक्यूबेटर में जो परेशानी आई इसको ज़रा देखा, उसको रेक्टिफाई किया, फिर हैचर बनाया, और मतलब ये पूरा प्रोसेस है जो मैं गुजरा हूँ ना, और इसमें जो सक्सेस मिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम को देख के। और सबसे बड़ी बात पिंजरा बनाया, बड़ी मेहनत से, पिंजरे में तो बहुत मैंने मेहनत करी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को देख के आज बड़ा बड़ी खुशी होती है, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो काम है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इस काम में जो है वो सक्सेसफुल किया। और माशाल्लाह से मुर्गियाँ भी हेल्दी हैं, एक्टिव है सारी, और माशाल्लाह से चूजे भी निकल रहे हैं। बस आ रहा हमें ब्रूडर बनाना है, सही है, जल्द से जल्द ब्रूडर बनाना है इंशाल्लाह। चलो आराम, हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है। अंडा, अरे यार ये इनक्यूबेटर में रख देना, चाहे इनक्यूबेटर खाली खाली से हो गया, कल 9 अंडे हमने वहाँ से शिफ्ट किए थे हैचर में, तो जगह काफ़ी हो गई, तो मैं इसको इनक्यूबेटर में ही रखता हूँ। बट पहले मैं इसका वेट कर लेता हूँ, अगर ये 40 ग्राम से कम हुआ तो फिर मैं नहीं रखूँगा इसको, 40 ग्राम प्लस वाले ही मैं इनक्यूबेटर में रख रहा हूँ। इसका वेट कर लेते हैं, 41.6 ग्राम, 40 प्लस है, तो इंशाल्लाह इसको इनक्यूबेटर में रखते हैं। अच्छा भाई आज सुबह से अब तक 2 अंडे आए और दोनों को मैं इनक्यूबेटर में ही रख रहा हूँ। चलो भाई नए वाले अंडों को यहाँ पे रख देते हैं। चलो पानी भी ख़त्म हो गया था, मैं पानी ऐड कर दूँ उसमें। अच्छा भाई पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसकी ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज होना शुरू हो गई है। अच्छा भाई अभी स्टिल जो है वो ये वाले ब्रेक नहीं हुए हैं शेल। अच्छा ये इस जिस शेल को ब्रेक करके आया इसको ज़रा देख लेते हैं, ये है वो शेल। अब आप ये देखें अंदर चूज़ा पॉटी भी करता है, ये देखें इससे जो है वो पॉटी भी करी हुई है और ब्लड वेंस इसमें नज़र आ रही है क्लियरली। पूरा एक निज़ाम होता है भाई अंदर, पूरी इसकी एक दुनिया होती है अंदर। तो भाई 50 ग्राम्स के अंडे में से ये चूज़ा निकला है, और बज़ाहिर देखने में माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी चूज़ा है ये। हाँ भाई कहाँ घूम रहे हो यहाँ से वहाँ? अच्छा भाई दोस्तों सर मैं मार्केट जा रहा हूँ ग्रॉसरी के लिए, और बेगम ने जो है वो बोला हुआ है, अगर नहीं गया तो बेगम नाराज़ होंगी फिर। अच्छा अभी 2 अंडे जो क्रैक हुए ना उनको बेसिकली मैं देखना चाह रहा था, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी देर लगेगी उसके लिए। भाई मैंने यहाँ पे कैमरा जो है वो सेट कर दिया है इसको टाइम लैप्स पे, तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ और जो भी एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा भाई दोस्तों मैं मार्केट से अभी अभी वापस आया हूँ। अच्छा भाई देखते हैं अंडों की क्या पोजिशन है। चूजे की आवाज़ आ रही है, अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह 2 मजीद चूजे जो है वो आ गए हैं, और भाई माशाल्लाह माशाल्लाह 3 चूजे हो गए। आयरा ये देखे माशाल्लाह 3 हो गए आपके पास, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई पहले मैं देखूँ उसे कैमरे ने रिकॉर्डिंग करी भी है कि नहीं, तो बंद पड़ा हुआ है भाई, क्या हो गया, बैटरी डाउन हो गई थी क्या भाई? कैमरा तो ऑन नहीं हो रहा, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं चूजे हैच होने की, अभी मैं इसको चेक करता हूँ। अच्छा बाकी मैं चूजे आप लोगों को दिखा दूँ भाई, ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये वाला पुराना वाला है जो शुरू में आया था, और ये माशाल्लाह से 2 अभी गए, और साइज में भी फ़र्क है भाई, ये 50 ग्राम वाले अंडे में से निकला है ये वाला, और ये दोनों 40 ग्राम वाले अंडे में से निकला है, तो साइज़ का भी फ़र्क नज़र आ रहा है भाई। दोस्तों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई कैमरे ने जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं करी, वो मोमेंट को कैप्चर नहीं किया जो अंडा हैच हो रहा था, बैटरी में खास इसकी डाउन हो गई थी, तो सिर्फ 6 मिनट की जो है वो बनी थी अपना टाइम लैप्स, उसके बाद जो है वो बंद हो गया था कैमरा, तो बड़ा अफसोस हो रहा है भाई मुझे, जो मोमेंट मैं कैप्चर करना चाह रहा था वो नहीं हो पाया, और मैं घर पे भी नहीं था कि इस चीज़ को कंटिन्यूसली आके मॉनिटर कर पाता। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अंडे होंगे उन पर फिर मैं ज़रा ये फार्मूला लगाऊंगा इसका टाइम लैप्स वाला, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह जो हैचिंग होगी वो आपको कैमरे के थ्रू भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। बाकी अंडों में से जो चूजे अभी निकले हैं ताज़े ताज़े उनको ज़रा देख लेते हैं भाई, ये 2 माशाल्लाह से निकले हुए, और माशाल्लाह से ये भी एक्टिव है भाई, मूवमेंट है इनमें, और ये जो पुराना वाला है जो फर्स्ट टाइम निकला था अब इसके जो है वो बाल काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गए, और माशाल्लाह से कलर आ रहा है, गोल्डन कलर आ रहा है,
अब आप दोनों में साइज डिफरेंस देखें, इसमें और इसमें काफी साइज डिफरेंस है। अरे उल्टा हो गया ये, देखते हैं कुछ सीधा होता है कि नहीं, वरना फिर मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा। कोशिश करो बेटा, शाबाश। अब दुनिया में आ गए हो तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे खुद ही। ये देखो भाई माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, शाबाश 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ सीधा हो गया। तो भाई दोस्तों माशाल्लाह से तीन चूजे जो है वो हो गए, और माशाल्लाह से तीन नए मेहमान जो है हमारे घर पे आ गए चूजों की सूरत में। अच्छा बड़ा वाला चूजा जो है वो चोंच भी मार रहा है खाने के लिए। अच्छा भाई दोस्तों मुर्गियों को वेट ग्रास ऑफर करने का टाइम आ गया, और आज मैं जो है वो सारी ही ऑफर कर दूंगा, और आज इसको फिनिश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं भाई माशाल्लाह बेहतरीन मैट बना हुआ है। अच्छा भाई पहला बैच जो है वीट ग्रास का खत्म हो गया, सबको मैंने कट कर लिया है। अब ये करते हैं भाई मुर्गियों को ऑफर, और मुर्गियां जो है वो काफी देर से भूखी है, बेचैन है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह भाई। हाँ भाई तुम्हें क्या हुआ, क्यों अलग थलग हो, तबीयत सही हुई नहीं हुई अभी, थोड़ी सी अभी मुझे सुस्त लग रही है ये। ये वाली माशाल्लाह एक्टिव है बिल्कुल। अच्छा भाई आज का जो है वो मजीद अंडा चेक कर लेते हैं। हाँ एक अंडा माशाल्लाह से हो रहा है भाई, ये देखो। अच्छा भाई जब तक ये यहाँ पे खा रही हैं, मैंने लोमन ब्लैक्स को जो है वो अंदर बंद कर दिया ताकि वो अंदर वो फीड खा लें। माशाल्लाह से खा रही है भाई दोनों शौक से। बाकी भाई अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूजों पे चल के चेक कर लेते हैं जो भी है चूहे, ठीक है एक्टिविटी है उनकी। अभी वो पैरों पे खड़े हुए कि नहीं जरा देखते चल के। अच्छा भाई न्यूली हैच्ड हमारे चूजे क्या कर रहे हैं भाई, तीसरा कांगिया ये रहा भाई तीसरा, ये बैठा हुआ। और माशाल्लाह भाई तीनों जो है वो हेल्दी हैं, और अभी देखते हैं इनकी एक्टिविटी क्या होती है भाई, कब ये खड़े होते हैं। अच्छा इसमें जो है ना, जो मैं फैंसी मुर्गियों के अंडे लेके आया था ना, उसमें से मुझे कोई साइन नज़र नहीं आया है क्रैक का भी। ये जो तीनों चूजे निकले ना, ये तीनों मेरे घर की मुर्गियों के चूजे हैं लोमन ब्राउन के। तो भाई दोस्तों ये था आज का व्लॉग, और बहुत आज का स्पेशल व्लॉग था, और बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे घर में नए छोटे छोटे नन्हे नन्हे चूजे जो है वो अंडों में से निकले हैं चूहे। बाकी अब इंशाल्लाह अपडेट आपको मिलती रहेगी, और जो अंडे हैं अब रेगुलरली वो शिफ्ट होते रहेंगे, क्योंकि रेगुलर इंटरवल से मैंने इसमें रखे थे, अब वो रेगुलर इंटरवल से ही इंशाल्लाह हैचर में आएंगे और इंशाल्लाह वो हैच होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो को तो लाइक करना बनता है, काइंडली इसको लाइक कर दिएगा। बाकी भाई सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रही है, व्यूज़ जितने आते हैं उस हिसाब से बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन नहीं आती, तो काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।